पाकिस्तान में इन दिनों घरेलू क्रिकेट लीग चैंपियंस वनडे ट्रॉफी खेली जा रही है। इसमें पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े क्रिकेटर खेलते नजर आ रहे हैं। इस लीग में पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम भी खेलते नजर आ रहे हैं, जो कि काफी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्टैलियंस टीम से खेलते हुए एक शानदार शतक भी लगाया, लेकिन इसी मैच में उन्हीं के एक साथी क्रिकेटर ने उनकी मैदान पर ऐसी बेइज्जती कर दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। टूर्नामेंट में स्टैलियंस और डॉल्फिन्स के बीच में फैसलाबाद के मैदान पर एक मुकाबला खेला जा रहा था। इस मैच में स्टैलियंस की ओर से बाबर आजम जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तो टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 76 रन था। बाबर आजम के क्रीज पर आते ही स्टेडियम में हर तरफ उनके नाम की गूंज फैंस के बीच में देखने को मिली। जाहिर सी बात है, बड़े पॉपुलर क्रिकेटर हैं। बाबर आजम ने भी फैंस को निराश नहीं किया और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम का स्कोर 50 ओवर में 271 रन तक पहुंचा दिया। बाबर आजम ने 100 गेंदों पर नाबाद 104 रन बनाए और इस दौरान बाबर ने 3 छक्के और 7 शानदार चौके भी लगाए। लेकिन बात वो नहीं है, बाबर आजम ने भले ही इस मैच में शतक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने उनकी सरेआम बेइज्जती कर दी। क्या है पूरा मामला, ये भी बताते हैं। विपक्षी टीम में विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे सरफराज अहमद ने बाबर आजम के लिए जो बात कही वो स्टंप माइक पर कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। दरअसल बाबर आजम जब क्रीज पर आए तो स्टेडियम के चारों तरफ फैंस बाबर बाबर चिल्ला रहे थे। सरफराज अहमद ने अपनी टीम के खिलाड़ियों से कहा कि इनको बाबर बाबर करने दो, हम बाबर को 40 ओवर खिला देंगे, बाकी आउट हो जाएंगे। मालूम हो कि पिछले कुछ मैचों में बाबर आजम अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए काफी ट्रोल हुए हैं। सरफराज अहमद का इस मैदान पर सरेआम बाबर पर टिप्पणी करना बाबर आजम को हरगिज पसंद नहीं आया होगा, लेकिन कर वो कुछ सकते नहीं है। उन्होंने 100 रन की एक शानदार पारी खेली, इनफैक्ट 104 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम जीती भी। लेकिन ये जो क्लिप है इस मैच की, ये काफी वायरल हो रही है क्योंकि बाबर आजम के इंटेंट उनके रन बनाने पर लगातार सवाल उठते हैं। कहा जाता है, ट्रोलर्स ऐसा कहते हैं कि बाबर आजम टीम के लिए नहीं अपने लिए रन बनाते हैं और यही बात कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सरफराज अहमद ने भी विकेट के पीछे से बाबर को कह दी है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।